हेलो दोस्त, आ गया हूँ मैं एक और नए वीडियो के साथ। आज का इस वीडियो हिंदी लौकिक सॉन्ग पे होने वाला है, तो आज मैं इसी के ऊपर आप लोग को लिए ट्यूटोरियल लेकर के आया हूँ। आप लोग पिरबू देखे होंगे, पिरबू पसंद आया होगा दोस्तों, एक लाइक कर दीजिएगा। अब इस स्टेटस को बनाने के लिए कैसे क्रिएट कीजिएगा आप लोग को बिल्कुल ईजी स्टेप में बताऊँगा आज। तो सबसे पहले आप लोग मोबाइल का ऐप में आ जाइएगा। सबसे पहले आप लोग लाइट मोशन को ओपन कर दीजिएगा। अगर आपके पास लाइट मोशन नहीं है तो प्ले स्टोर से बिल्कुल आसानी से जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। लाइट मोशन ओपन होने के बाद नीचे प्रोजेक्ट मिलेगा, प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा तो एक देखने को मिलेगा ओ बिदर दिया सॉन्ग बीट मार्क, एक शेक इफेक्ट देखने को मिलेगा जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से जाके आप लोग लाइट मोशन में इनपुट कर लीजिएगा। इसमें जितने सारे मटेरियल यूज होने वाले फोटो और XML फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से नहीं होता है तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा DJ बलराम बाबू झारखंड नंबर, तो वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इस पर सॉन्ग बीट मार्क में आइएगा। सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा जो आप लोग को नया एनिमेशन नया क्रिएट करके दिया हूँ। तो आगे देखिए फुल प्रोजेक्ट देख के रखा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग आइएगा, आप लोग को कुछ नहीं करना है दोस्त, आप लोग को खाली सिर्फ फोटो ऐड करने का है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा, एक ब्लैक कलर का ये दिखने को मिलेगा अलाइट मोशन जिसमें लिखा है DJ बलराम बाबू झारखंड नंबर 1। ये इमेज पे क्लिक कीजिएगा, कलर फिल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी फ़ोटो ले लीजिएगा। चलिए मैं एक फ़ोटो ले लेता कोई एक सा भी। चलिए मेरा फ़ोटो किस फोल्डर में है मैं सेलेक्ट कर लेता फोल्डर, आप लोग भी अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा। देखिए कुछ फ़ोटो इस तरह से शो हो जाएगा, तो चलिए दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से फ़ोटो शो हो गया है, कितना बवाल लग रहा है। देखिए अब आगे आइएगा तो कुछ इस तरह से फिर से एनिमेशन बनाया हुआ देखने को मिलेगा। आप लोग इस पर भी क्लिक कीजिएगा, कलर फिल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कर लिया। आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी और फ़ोटो ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ, बताने के लिए मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ स्क्रॉल डाउन के, इस तरह से देखिए कुछ इस तरह से लग रहा है। आगे आइएगा फिर एक और नया एनिमेशन दिखने को मिलेगा आप लोग को। तो इस पर भी क्लिक कीजिएगा, कलर पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। तो आप लोग सेम आप लोग कोई एक सा भी फ़ोटो ले लीजिएगा। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ। तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, देखिए कुछ फ़ोटो इस तरह से क्या लग रहा है। देखिए इस तरह से कुछ यहाँ तक देखने को मिलेगा। अब यहाँ आइएगा, आगे आइएगा तो कुछ इस तरह से खाली जगह दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है दोस्त, मैं बता रहा हूँ, आप लोग वैसे ही कीजिए। तो बैक कर दीजिएगा, अपने शेक इफेक्ट में आइएगा। शेक इफेक्ट मारने के बाद सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, ये यहाँ से दबा के रखिएगा, दबा के रखिए, खाली प्लस वाला डब्बा मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, सेलेक्ट और लेयर कर दीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर फिर से दबा के रखिएगा, प्लस वाला दबाइएगा, कॉपी 33 लेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बैक करके अपने बीट मार्क में आइएगा। बीट मार्क में आने के बाद आप लोग कुछ जहाँ खाली मिल रहा था वहाँ पे आप लोग चले जाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे खाली बीट देखने को मिल रहा था, यहाँ पे जाके प्लस वाले डब्बे पे जाके पेस्ट 33 लेयर कर दीजिएगा आप लोग, और कुछ नहीं करने का आप लोग को, ये हो जाएगा। अब होने के बाद आप लोग इमेज लगा लीजिएगा इसमें, इसमें आप लोग इमेज ऐड कर दीजिए। चलिए मैं इमेज ऐड कर देता हूँ, फोटो किसी का भी फ़ोटो। तो इस पर क्लिक कीजिएगा, कलर फिल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग कोई एक सा भी फ़ोटो ले लीजिएगा इसमें। चलिए मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ, तो देखिए फ़ोटो कुछ इस तरह से शो हो गया है। आगे आइएगा तो कुछ इस तरह से फिर से इस पर भी क्लिक कीजिएगा, कलर फिल पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा। आप लोग यहाँ से कोई एक सा भी फ़ोटो ले लीजिएगा। चलिए मैं ये फ़ोटो ले लेता हूँ, प्लस पे क्लिक कीजिएगा, फ़ोटो कुछ देखिए इस तरह से शो हो गया है। आगे आइएगा फिर एक और नया लेयर देखने को मिलेगा, तो इस पर भी क्लिक कीजिएगा, कलर पे क्लिक कीजिएगा, स्टार वाले पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से कोई एक सा भी फ़ोटो ले लीजिए। चलिए मैं फ़ोटो ले, तो प्लस पे क्लिक कीजिएगा, फ़ोटो शो हो जाएगा इस तरह। इसी तरह से आप लोग यहाँ से लेकर के लास्ट तक आप लोग यहाँ तक फ़ोटो ऐड कर लीजिएगा, फ़ोटो ऐड हो जाएगा। तो ये जो ग्रुप जो दिख रहा है बना हुआ आप लोग को, ये ग्रुप इसको खींच करके सबसे ऊपर ले आइएगा, सबसे ऊपर ले आइएगा कुछ इस तरह से। तो देखिए कुछ इस तरह से लाइट आ गया है इसमें।
इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। अब वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर खाली डब्बा मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो वीडियो बन के रेडी हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिए दोस्त, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।